आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्र का पर्व चल रहा है, माता के पंडाल सज गए हैं, चारों तरफ माता के जयकारे आपको सुनाई दे रहे होंगे। जगह जगह पंडालों में माता रानी विराज चुकी हैं। एसपी बंगले के पीछे बाबूजी नगर में ये हम आपको दिखा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए। अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। एसपी बंगले के पास एकदम पीछे बाबूजी नगर में ये प्रतिमा बैठी हुई, कितनी सुंदर आकर्षक सलोनी प्रतिमा। बाजू में माता का वाहन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सुंदर और व्यवस्थित तरीके से 2023 में माता के पंडाल लगे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि आवागमन बाधित ना हो। गंगा जमुनी तहजीब सिवनी में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और प्रभावी भी है। इसके साथ ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे अपील करती है कि 17 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। एसपी मंगले के पीछे बाबूजी नगर का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। माता के जयकारे आपको रात में सुनाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही अब हम आपको दिखा रहे हैं बाहुबली चौराहा। बारा पत्थर में बाहुबली चौराहा स्थित माता की प्रतिमा, कितनी सुंदर आकर्षक सलोनी प्रतिमा, और यहाँ पर सेवादार किस तरह से यहाँ प्रतिमा को सजा रहे हैं, सजाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाहुबली चौक का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। बाहुबली चौक बारा पत्थर का प्रमुख व्यवसाय के केंद्र बन गया है। कुछ साल पहले आप जो प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात की साक्षात गवाह है कि बाहुबली चौराहा एक समय में बहुत ज़्यादा चहल पहल यहाँ नहीं हुआ करती थी, बहुत कम ही प्रतिष्ठान हुआ करते थे, और अब बुधवारी के बाद सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र बनकर बाहुबली क्षेत्र बारा पत्थर का उभरा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बाहुबली चौराहे में प्रतिमा आपको हम दिखा रहे हैं, माता रानी की प्रतिमा बाहुबली चौराहे की। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम आपसे अपील करते हैं कि 17 नवंबर को मतदान का उपयोग, मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। ये छिंदवाड़ा रोड का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, छिंदवाड़ा चौक में माता रानी विराजी हुई दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बहुत सुंदर सलोनी प्रतिमाएं यहाँ पर दिख रही होंगी। छिंदवाड़ा चौक का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर पंडाल को सजाया गया है, और पंडाल में ऊपर आसमान स्पष्ट तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जगह जगह माता रानी विराजी हैं, और माता रानी जहाँ भी विराजी हैं वहाँ पर समितियों के द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि समितियाँ वहाँ पर आवागमन बाधित ना हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम आपको ये बता दें कि अपील करना चाहते हैं दुर्गा उत्सव समितियों से कि आवागमन बाधित ना हो, साथ ही अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले कोई काम ना हो। पारंपरिक वेशभूषा में अगर कोई आता है तो उसका स्वागत किया जाए, पर जो भी अश्लीलता और वर्जनाओं को तोड़ते हुए वेशभूषा अगर कोई पहने हुए तो उसका बहिष्कार अवश्य करें। छिंदवाड़ा रोड की ये माता रानी की प्रतिमा कितनी सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रही है, माता रानी आपको दिख रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपको लगातार ही, चाहे गणेशोत्सव हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा सदैव ही सर्वधर्म संप्रदाय को के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए आप तक सारी खबरें पहुंचाने का प्रयास समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। छिंदवाड़ा रोड की ये प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा रोड पर माता रानी का पंडाल सजा हुआ दिख रहा होगा। इसके उपरांत अब यहाँ हम लेकर आए हैं, कितनी आकर्षक यहाँ पर दादू धर्मशाला के पास माता रानी विराजी हैं, और कितना आकर्षक पंडाल, आकर्षक तरीके से यहाँ पर इसे सजाया गया है। 17 नवंबर को चुनाव होगा, और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। मत डालना आपका नैतिक अधिकार है और इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। दादू धर्मशाला के पास
माता रानी विराजी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।